बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरिथमेटिक सीक्वेंस का ये लेक्चर नंबर सेकंड है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने फार्मूलाज को डिस्कस किया, एक दो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया और ये बताया कि फार्मूला ड्राइव कैसे होता है। कोई भी वन पेपर का पेपर आप उठा के देख लें, पीपीएससी है, एफपीएससी है, सीएसएस का चाहे स्क्रीनिंग है, ये सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। एज प्रॉब्लम्स हैं, रेशियो है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, लॉजिकल रीजनिंग है, एनालिटिकल एबिलिटी है, कुछ भी है ना, पूरे लेक्चर्स में जनरल एबिलिटी की प्लेलिस्ट के अंदर अपलोड कर चुका हूँ। प्लेलिस्ट का लिंक मैं कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगा, ठीक है जी। चलें, पार्ट वन को लाजमी देखिएगा, तब पार्ट टू पे स्विच कीजिएगा। ये प्रीवियस क्वेश्चन लग चुके हैं, मैं करा रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को, आप लोगों ने पेन पेपर हाथ में पकड़ लेना है और तवज्जो आप लोगों की मेरी तरफ, ठीक है। प्रीवियस में हमने ये फार्मूला एक ड्राइव किया था, मैंने बताया था किस तरह निकला है, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ज़रा क्वेश्चन को देखिएगा कि क्वेश्चन क्या कहता है, हमसे क्या मांग रहा है, देखते हैं। हुजूर पहली वैल्यू ही खा गया है, कहते हैं पहली वैल्यू तुम फाइंड करो, ठीक है। व्हाट विल बी द फर्स्ट टर्म, ओके हुजूर, फर्स्ट टर्म नहीं दे रहा, नाराज़ हो गया हमसे, ठीक है। इन द फॉलोइंग 13 टर्म्स, अच्छा ये जो टर्म्स देता है ना, ये एन होता है, ठीक है। तो यहाँ मैं एन भी दे रहा है कि सीक्वेंस के अंदर 13 टर्म्स हैं, पहली तुम बताओ, बाकी मैंने बता दी। लास्ट वाली मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि ए एन होता है, लास्ट वाली वैल्यू एन होती है, ठीक है, तो ये भी पता चल गया। हुजूर डिफरेंस भी निकलवाना मैंने आप लोगों को बताया है ना, कि लास्ट वाली वैल्यू में से प्रीवियस निकाल दिया करो, अगली वैल्यू में से पिछली निकाल दिया करो, अगली वैल्यू में से पिछली वैल्यू निकाल दिया करो। तो 74 में से 67 निकालें तब भी हमारे पास बचता है 7, 81 में से 74 निकालें तब भी बचता है 7, 88 में से 81 निकालें तब भी बचता है 7। तो सर डिफरेंस तो हमारा 7 ही हुआ ना। चलें फार्मूला लगाएं जी, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। ए एन है जी है, पुट कर दिया। ए वन है नहीं सर, वही तो फाइंड करना है, उसी का तो रोल है हमारे पास। एन, एन हमारे पास कितना 13 माइनस वन इंटू डी, डी हमारे पास कितना है 7, ओके। 88 इज इक्वल टू ए वन प्लस, 13 में से माइनस एक जा रहा है तो 12 बच गया, 7 बच गया, 12 ज़रब 7 84 हो जाएगा। 88 है, 84 इधर ले आए, माइनस 84 हो जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा ए वन, इस भाई साहब में से ये जाने दें तो हमारे पास क्या बच गया, तो ए वन हमारे पास 4 है, पहली टर्म हमारे पास 4 थी यहाँ पे, फिर आगे इस तरह चलते चलते चलते, ठीक हो गया जी। ए वन फाइंड करना था, फाइंड हो गया। चलें जी, हम थोड़ा आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन उसने हमें दिया है, हमें कहता है कि फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सीक्वेंस। सब कुछ दे दिया, आखिरी टर्म भी, पहली टर्म भी, हमें कहता है ज़रा ये तो बताओ कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तादाद पूछ रहा है, एन पूछ रहा है। पहली टर्म भी हमें दे रहा है, हम पे एहसान कर रहा है, ठीक है जी। लास्ट वाली टर्म भी हमें दे रहा है, मेहरबानी जी, हर चीज़ ही दे रहा है हमें, हैं। लेकिन एन पूछ रहा है कितनी टर्म्स टोटल हैं, ये पूछ रहा है। अच्छा डी निकालने ज़रूरत पड़ेगा अभी, 22 में से 17 निकालें तब भी हमारे पास 5 बचता है, 27 में से 22 निकालें तब भी 5 बचता है, 32 में से 27 निकालें तब भी हमारे पास 5 ही बचता है, तो डिफरेंस हमारा 5 है। ऐसे 2-3 बार चेक कर लिया मैंने। चलें अब हम निकालने की कोशिश करते हैं कि टोटल टर्म्स हैं कितनी। तो ए एन इज इक्वल टू होता है ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन जी, ए एन हमारे पास है 222, ए वन हमारे पास जी है, ए वन हमारे पास 17 है, आपके सामने हर चीज़। एन इसी का तो मसला है, एन नहीं है हमारे पास, इंटू डी, डी की वैल्यू हमारे पास 5 है, ओके। हुजूर जी हमारे पास रहा 222, 17 इधर ऐड हो रहा है, 17 इधर आके माइनस हो सकता है, उधर हमारे पास बच गया एन माइनस वन इंटू 5, ठीक है। 222 में से 17 को ज़रा माइनस कर दें तो हमारे पास बच गया यहाँ पे 205, 5 मल्टीप्लाई बाय एन, 5n और 5 1 5, ठीक हो गया। माइनस 5 इस साइड पे आके प्लस 5 इज इक्वल टू क्या बच गया 5n, दोनों को ऐड करें क्या बन गया सर 210 हो गया, ओके। तो यहाँ n पड़ा रहे, ये 5 नीचे डिवाइड हो जाएगा, कर दें डिवाइड, 5 4 20, 21 है, एक बचा 10 बन गया, 5 2 10, सर टोटल 42 टर्म्स हैं,
17 से लेके ना इस तरह लिखते जाएं सबको गिने तो 42 टर्म्स बनती हैं। इस तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी, थैंक यू।